नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम डायरेक्ट पब्लिक से आपकी बातचीत कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं डेरा आने वाले लोगों से। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? आरती। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? हम 14 साल से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। कितना विश्वास है आपको डेरे के प्रति, गुरु जी के प्रति कितना विश्वास है आपका? हमें बहुत विश्वास अपने सोनों। क्यों इतना विश्वास करते हो आप? क्योंकि जो हमारे माता पिता है वो हमें जब हम छोटे थे तभी से ये सिखाते हैं कि भाई जो डेरा सच्चा सौदा है वो बहुत अच्छे मानवता भलाई के कार्य करता है, और जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी है वो बहुत अच्छी हमें शिक्षा देते हैं कि भाई इस पे चलना है, उस पे चलना है, और आगे के लिए भी हमें बहुत। संत जी का स्वभाव कैसा लगता है आपको? जो हमारे गुरमीत राम सिंह जी इंसा गुरु जी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, और वो हमें यही सिखाते हैं कि भाई कैसे जीवन में जीना होता है, और कैसे आगे के लिए भी हमें यही बताते हैं। आप उनको गुरु जी पिताजी क्यों बुलाते हो? क्योंकि वो हमारे माता पिताजी के जैसे, जैसे हमारे पिताजी सिखाते हैं ऐसे हमारे माताजी सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे हमारे गुरुजी जो हमारे पिताजी हैं पूजनीय वो भी ऐसे हमें सिखाते हैं। बीइंग अ गर्ल, आप अपने आप को कैसा फील करते हो डेरा में? बहुत अच्छा हम फील करते हैं अपने, जैसे हमारे गुरुजी को यही देख लो आप कि भाई बॉयज़ को अलग रखा जाता है, गर्ल्स को अलग रखा जाता है, और जो यहाँ पे सब कुछ अलग है, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, कैंटीन भी अलग है, जो भी वैसे जो स्वभाव है यहाँ का वो भी बहुत अच्छा है। क्या आपको लगता है सोसाइटी को ऐसे संत जी की नीड है? यस। क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो समाज है वो आज बहुत ही उसमें है, बुराइयों पे चलता है, और जो हमारे यहाँ डेरा सच्चा सौदा में है वो बहुत ही अच्छे मानवता भलाई के कार्य करते, और सोसाइटी को चाहिए कि भाई ऐसा करना चाहिए, मानवता भलाई के कार्य भी करना चाहिए।